तो अयोध्या नगरी और ये यहाँ पे ट्रेन है हमारी, इसी से हम उतरे हैं। मेरे इस तरफ जो है राम मंदिर है, तो कुछ देर बाद में हम चारों जो है राम मंदिर जाने वाले हैं। गेट है ये मेरे पीछे, यहीं से जो हम अंदर एंटर होंगे। और इस तरह के जो जो यहाँ पे है सजी हुई दीवारें मंदिर की, बिल्कुल पास में जाके आपको मंदिर दिखाने वाला हूँ। उसको जो है राम रसोई, निःशुल्क राम रसोई के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ देखिए, मैं रसोई के अंदर आ चुका हूँ और आप यहाँ देख सकते हो ये लाइनिंग लगी हुई है, वहाँ से आपको भोजन मिल जाएगा। ये है ये पूरा मार्केट बना हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ जो देख रहे हो ये दशरथ महल है, इसके अंदर मैं जाके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे जो है प्रभु श्री राम जी की, हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी जोशी व्लॉग्स के अंदर। जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि क्या होने वाला है इस व्लॉग के अंदर। यहाँ दोस्तों दिल थाम के बैठ जाओ, आपका भाई जाने वाला है जोधपुर टू अयोध्या। भाई ट्रेन जाने वाला हूँ, कल की मेरी ट्रेन है 18 जनवरी की। तो इस व्लॉग के अंदर आप बने रहना, पूरी डिटेल देने वाला हूँ, पूरी अपडेट देने वाला हूँ। जोधपुर टू अयोध्या एकदम चीपेस्ट प्राइस में आपको लेके जाने वाला हूँ। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में। जय श्री राम दोस्तों, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके मैं पहुंच चुका हूं जोधपुर रेलवे स्टेशन पे। कुछ ही देर में मेरी जो है ट्रेन आने वाली है, जा रहा हूं जोधपुर टू अयोध्या। मिलता हूं अब आपको सीधा अयोध्या के अंदर। फाइनली भाई साहब पहुंच चुके हैं अयोध्या नगरी। ये देखिए आप मेरे पीछे, आप देख सकते हो अयोध्या नगरी, और ये यहाँ पे ट्रेन है हमारी, इसी से हम उतरे हैं। और भगवा प्रेमी यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, दूर दूर तक देख लो आप। ये हमारे साथी है राजशेखर, जीतू और ये पवन, और मैं तो मेरे को तो आप जानते ही हो। तो चलते हैं बाहर, पहले रहने की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद में आपको पूरा अयोध्या नगरी घुमाएंगे। जय श्री राम दोस्तों, सारे भाई अब तैयार हो चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो रेलवे स्टेशन अयोध्या का, और जस्ट मेरे इस तरफ जो है राम मंदिर है। तो कुछ देर बाद में हम चारों जो है राम मंदिर जाने वाले हैं। बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में जो आपको गेस्ट हाउस मिल जाएगा, एकदम चीपेस्ट प्राइस में भी मिल जाएंगे और हाई लेवल के भी मिल जाएंगे। तो आप जब भी आओ यहाँ पे भाई, फुल एंजॉय करने वाले हो। तो आप इस ब्लॉग के अंदर लास्ट तक बने रहना, आपको भाई फुल एंजॉय करवाने वाला है आपको। जय श्री राम दोस्तों, पहुँच चुका हूँ मैं अयोध्या, और ये आप देख लो मेन गेट है ये मेरे पीछे, यहीं से जो हम अंदर एंटर होंगे और अंदर जाके हम आपको दिखाएंगे कैसा है प्रभु श्री राम का मंदिर। ये देख लो आप, मेन गेट से जो है एंटर हो गया हूँ, और ये यहाँ पे जो है यहाँ से जो है दीवार स्टार्ट हो चुकी है। और ये देखो किस तरह के जो जो यहाँ पे है सजी हुई है दीवारें, और ये यहाँ पे हल्का सा सेल्फी वगैरह फोटो वगैरह खींचने के लिए यहाँ पे राम मंदिर का जो मॉडल का जो है कुछ रखा हुआ है। रेलवे स्टेशन से मंदिर का जो मेन गेट है केवल 1 किलोमीटर दूर है, और गेट से कुछ ही दूर में लगभग 1 किलोमीटर अंदर और चलना होगा, 1 से 1.5 किलोमीटर। और आप अभी भी अंदर देख सकते हो, अभी यहाँ पे जो है कार्य प्रगति पे, काम चल रहा है। इधर काफ़ी लंबा रूट है और काफ़ी दूर तक जाने वाला हूँ, और मंदिर के बिल्कुल पास में जाके आपको मंदिर दिखाने वाला हूँ। बने रहा इस ब्लॉग के साथ में, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ये देखो मेन गेट से अंदर आने के बाद में ये जो है सबसे बड़ा जो हमें यहाँ पे मंदिर, पहले मंदिर था लेकिन अभी इसको जो है राम रसोई, निःशुल्क राम रसोई के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको भोजन वगैरह सब कुछ जो है निःशुल्क मिल गया। और जस्ट इसके बैक साइड में अगर आप पीछे देखोगे ना, तो उस साइड में है हमारा राम मंदिर। तो चलते हैं। ये आप देखिए, मेरे को जो है राम रसोई का जो है टिकट मिल चुका है, और यहाँ से जो आपको राम रसोई का टिकट मिल भी जाएगा इस तरफ से, यहाँ पे आपको बिल्कुल निःशुल्क टिकट मिलेगा। और यहाँ से सीधा ये महादेव जी के दर्शन करने के बाद आप ये अमावा राम मंदिर के अंदर जा सकते हो। इसके अंदर आपको भोजन की सुविधा भी मिल जाएगी, और इसके छत के ऊपर से आपको राम मंदिर भी पूरा एकदम क्लियर दिखने वाला है। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ अंदर जाके, अगर मिलेगी एंट्री या नहीं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन अभी अंदर जाके आपको शो करके दिखा रहा हूँ। आप देखिए, मैं रसोई के अंदर आ चुका हूँ, और आप यहाँ देख सकते हो ये लाइनिंग लगी हुई है, वहाँ से आपको भोजन मिल जाएगा। और यहाँ पर सीटिंग भी लगी हुई है, आराम से आप बैठ के नीचे फर्स्ट पे बैठ के आप सीटिंग के भोजन वगैरह जो भी है कर सकते हो। तो एक बार मैं ऊपर जाके ट्राई करता हूँ और मंदिर का व्यू आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो भाई, छत पे मैं आ गया हूँ, और मेरे सामने है प्रभु श्री राम का मंदिर। ये आप देखिए, वो आपको दिख रहा है छोटा सा, वो ही है हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर। और आप चारों तरफ देखिए, अभी भी वहाँ पे जो है काम चल रहा है। और ये देखिए भाई, हमारे भाई भी इधर आए हुए हैं, और इस तरफ जो है काम चल रहा है कार्य प्रगति में, और वो हमारा प्रभु श्री राम का मंदिर। हमें जो है मेन जो मेन गेट है वहाँ से हमें एंट्री नहीं मिल रही है, पता नहीं क्या कारण है, सिक्योरिटी की वजह से हमें एंट्री नहीं मिल रही है। लेकिन आप यहाँ से देखो यार, जय जय श्री राम। मेरा जो है तन मन धन पता नहीं एकदम कैसा हो गया मेरे को, कुछ मैं कुछ वर्ड भी मेरे मुंह से निकल नहीं रहे। ये देखो यार, वाह क्या खूबसूरत जगह यार,
जय श्री राम। ये देखिए मंदिर, मेन मंदिर दिखाने के बाद में मैं आपको इसके अंदर लेके जा रहा हूँ। और यहाँ पे जो है प्रभु श्री राम जी के जो है बाल स्वरूप का जो है रूप यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा कर रखी है। आप देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे जो है मूर्त प्रभु श्री राम की रखी हुई है। ये देखिए आप देखिए राम रसोई से वहाँ से वापस अगर फ्री होके आप भोजन वगैरह करके बाहर निकलोगे तब ये आप देखिए इस तरफ जो है ये पूरा मार्केट बना हुआ है। ये आप देखिए यहाँ पे आपको जो है प्रभु श्री राम से जुड़ी हर एक वस्तु आपको मिलेगी। आप कुछ भी यहाँ से ले सकते हैं। प्रभु श्री राम का जो मेडल वगैरह, सॉरी वो मंदिर का जो है वो स्ट्रक्चर वगैरह आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तस्वीरें मिल जाएंगी, मालाएं मिल जाएगी, घंटी वगैरह आपको हर एक चीज़ ये पूरे मार्केट में आपको मिल जाएगी। बस तो आप भी आओ यहाँ पे विजिट करो और आइटम को अपने घर ले जाओ। ये देख लो गाइस, ये आप जो देख रहे हो ये दशरथ महल है। इसके अंदर मैं जाके दिखा रहा हूँ आपको। अगर कैमरा वाला होगा तो आगे पूरा दिखाऊंगा, नहीं तो मैं जो है ये वाला फ्रंट देख लो आप। ये जो है दशरथ महल है, ये देखो भाई अंदर से जो है कुछ ये ऐसा दिखता है। ये देखिए आप अंदर भजन वगैरह चल रहा है, भंडारा चल रहा है, सब कुछ अंदर चल रहा है। ये देखो तो फाइनल दोस्तों मैं मंदिर के बिल्कुल करीब जाके आया हूँ, पास में जाके आया हूँ। लेकिन वहाँ पे जो है कैमरा मोबाइल कुछ भी अलाउड नहीं है। आपके ओनली पैसों के अलावा आप वहाँ पे कुछ भी नहीं ले जा सकते। फुल टाइट सिक्योरिटी है, आपको एक ही जगह पे चार चार बार चेक हो रहे हो, समझ रहे हो? एक ही जगह पे आपको चार चार बार चेक हो रहे हो, इसीलिए वहाँ तो ना तो मोबाइल किसी चीज़ का अलाउड नहीं है। और मैं बिल्कुल मंदिर के पास जाके आया हूँ, बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है। आप भी आओ प्रभु श्री राम के दर्शन करो। 22 तारीख को प्रभु की जो है प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, फिर उसके बाद में आप आ सकते हो 23 तारीख को। तो आज का ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं हम आपको कल सुबह, तब तक के लिए बाय।